हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं। अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो। फिर इससे पहले 10 साल पहले अगर उनके आइडियोलॉजी पे ही है, फिर इतने पैसे क्यों नहीं जमा होते थे, अब क्यों जमा? सो ये इनडायरेक्टली हरासमेंट प्रेशराइज करके आप इलेक्शन में पैसा ले रहे हैं और ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। 411 एमएलए को 10 साल में उन्होंने अपने तरफ लिया। अब मैं ये नहीं कहता कितना पैसा दे के खरीदे, क्या करे, वो नहीं, लेकिन आपको तो मालूम है कितने सरकारें हमारे इलेक्टेड थे, जैसा कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, ये सब आप जानते हैं कैसे गिरे ये, कि उनको इसमें ये डेमोक्रेसी को खत्म करना उनका काम है। और जो लीडर बोलता है उसको एक थ्रेट, मेरे को परसों मोदी जी के भाषण में मैं कुछ भाषण किए तो मेरे को 4-5 कॉल्स आए, कोई ऐसी गंदी गालियाँ दिया, वैसी दिया, तो मैं यहाँ पर कहाँ पर हमने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाया है, जो केस है वो देखेंगे। इससे पहले भी तुगलक पुलिस स्टेशन में करवाया था, इससे पहले मैं वहाँ 2-4 महीने रहता था साउथ एवेन्यू में, वहाँ पर साउथ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में करवाया, अपने बेंगलोर में करवाया सदाशिव नगर, कितना क्यों? अरे आप बहस करो, आपकी बहस के ऊपर लोगों को कन्विंस करो, ऐसा लोगों को लगा के डरा के हमको कमजोर करना चाहते हैं। तो मैं तो हम कमजोर कांग्रेस वाले भी होने वाले नहीं, मैं भी होने वाला नहीं,